Students, we were discussing heterocyclic compounds. Today is the turn to start discussion on five-membered heterocyclic compounds. इसमें तीन कॉमन जो हमारे सिलेबस में हैं, वो है पाइरोल, फ्यूरान और थायोफिन. पाइरोल C4H5N, this is the structure. फ्यूरान C4H4O, this is the structure. एंड थायोफिन C4H4S, this is the structure. If you see the structure of all these three, you will find that they all contain two double bonds which are alternating. एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड. अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड जो भी होते हैं, दे आर कंजुगेटेड, दे आर डीलोकलाइज्ड. सो दे ऑल मस्ट बिहेव लाइक कंजुगेटेड डाइईन्स एज दीज स्ट्रक्चर शो. और वो डाइईन के रिएक्शन भी शो करने चाहिए, अनसेचुरेटेड कंपाउंड के रिएक्शन शो करने चाहिए, एडिशन रिएक्शन. डबल बॉन्ड टूट जाएगा, उसकी जगह और एटम ऐड हो जाएंगे, इस तरह के रिएक्शन इनको शो करने चाहिए. सो हैव टू डबल बॉन्ड्स इच, सो दे मस्ट शो द रिएक्शन ऑफ अ कंजुगेटेड डाइईन. इसके अलावा जो पाइरोल है वो अमीन है, RNH, उसको अमीन के रिएक्शन शो करने चाहिए. फ्यूरान जो है ROR, इथर के रिएक्शन शो करने चाहिए. RSR थायो इथर है, तो थायो इथर के रिएक्शन शो करने चाहिए. लेकिन इन रिएक्शन को शो जरूर करते हैं, बट टू वेरी लिटिल एक्सटेंट अप टू, ओके. एक्चुअली दे शो द अबव रिएक्शंस टू सम एक्सटेंट, बट दे शो द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड के जैसे रिएक्शन शो करते हैं, तो ये एरोमेटिक होने चाहिए. ये जो ऊपर स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, इससे तो एरोमेटिक लगते नहीं है. जैसे बेंजीन शो करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन, ये सारे रिएक्शन जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो इस तरह के रिएक्शन शो करते हैं इन एडिशन टू अप ऑफ दीज रिएक्शन. इन रिएक्शन जो उनके असली रिएक्शन थे उनको तो बहुत कम शो करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्शन हैं उनको शो करते हैं. फिर जब हीट ऑफ कंबस्शन का डाटा इनका एनालाइज किया गया, उससे ये पता चला कि ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं. रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 65 to 125 किलो जूल. कोई 65 किलो जूल पर मोल है, कोई 100 हो सकता है, कोई 125 किलो जूल पर मोल हो सकता है, विच इज लेस देन बेंजीन. हालांकि ओरिजिनल स्टेबलाइजेशन बेंजीन से कम है, क्योंकि बेंजीन का रिंग जो है वो 151 किलो जूल पर मोल है उसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, विच इज वेरी हाई, बट वेरी हायर देन कंजुगेटेड डाइईन्स. कंजुगेटेड डाइईन में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स होते हैं उसमें, वो शिफ्ट करते हैं इधर से उधर, तो रेजोनेंस बनता है. लेकिन उनकी जो वैल्यू है दैट इज ओनली 12.5 किलो जूल पर मोल. तो कंजुगेटेड डाइईन के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. तो इन इस चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस विल हैव टू सी द स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, जो आपके सिलेबस में भी है, ऑफ ऑल दीज थ्री. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, जब मान लो पाइरोल का आपको क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल, तो आप स्टार्टिंग यहां से करेंगे कि ये एरोमेटिक रिएक्टर शो करते हैं. इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी अराउंड 100 किलो जूल पर मोल है. डू नॉट शो बेसिक करेक्टर. अमीन का जो करेक्टर है वो बेसिक करेक्टर है, लेकिन ये बेसिक करेक्टर शो नहीं करता. इसका मतलब अमीन्स जो है RNH2 जो है, जहां पे भी नाइट्रोजन एटम होगा उसके ऊपर लोन पेयर होगा. लोन पेयर डोनर इज ए बेस, तो नाइट्रोजन एटम यहां पे भी है, उसके ऊपर लोन पेयर भी है, तो उसको डोनेट कर देता है तो ये बेस है, अगर नहीं कर पाता तो ये बेस नहीं है. इसका मतलब इसके लोन पेयर जो नाइट्रोजन के ऊपर है वो किसी दूसरे चीज को ये डोनेट नहीं कर पाता. इसका मतलब इसी रिंग में ही वो समा जाता है कहीं,
तभी वो बेसिक रिएक्टर शो नहीं करता। सो तो अमीन का जो बेसिक रिएक्टर है उसको ये शो नहीं करता। तो इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। पांच कार्बन आपने ड्रॉ करने, दो तीन सॉरी चार, एक दो तीन चार और पांचवा नाइट्रोजन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सबकी, तो प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा 120 डिग्री के ये होंगे जिसमें सिग्मा बॉन्ड बने होंगे, एक दो तीन तीन सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन का इस कार्बन के साथ, यहाँ नाइट्रोजन के साथ, इधर हाइड्रोजन के साथ। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल अबव एंड बिलो द प्लेन रह गया। अब कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के लिए किया, एक इसके लिए किया, एक इसके लिए किया, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें है जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। सिमिलरली ये कार्बन है, सब चारों के चारों कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के पास तीन इलेक्ट्रॉन इसने यूज किए, एक दो तीन, इन तीन बॉन्ड को बनाने के लिए इसके पास दो इलेक्ट्रॉन बच गए, वो इस अबव एंड बिलो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है। ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, तो सारे जो है ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन बनाएंगे। और टोटल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, चार कार्बन के हो गए, एक दो तीन चार, दो इसमें है तो कितने हो गए, छह। सो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सिक्स। हकल रूल जब आप अप्लाई करेंगे डीलोकलाइज पर, 4n+2, इफ एन इज इक्वल टू वन देन इट इज 4+2 दैट इज इक्वल टू 6। सो इसमें हकल रूल को फॉलो कर रहा है, दैट इज वाई पाइरोल इज एरोमेटिक इन नेचर। अब देखिए बेंजीन जो है वो 151 किलो जूल पर मोल रेजोनेंस स्टेबलाइज एनर्जी की वैल्यू है, इसकी अराउंड 100 है। इसका मतलब ये जो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी दैट विल बी लेस स्टेबल देन बेंजीन। जब हम बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं वो सारी न्यूट्रल हैं, लेकिन जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इनमें पॉजिटिव चार्ज है, चार सेपरेशन, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और रिंग के ऊपर नेगेटिव। हुआ क्या, ये लोन पेयर यहां को शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, यहां बना। ये लोन पेयर यहां को शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव चार्ज यहां आ गया विद टू इलेक्ट्रॉन्स। ये यहां को शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड यहां को शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड यहां बन गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये भी चार्ज सेपरेशन है। अब समझ में, फिर ये यहां को आएगा और ये यहां को आएगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, और उसके बाद ये यहां को आएगा और यहां को आएगा तो फिर ये यही स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो पांच स्ट्रक्चर बनी है जिसमें सिर्फ चार्ज सेपरेशन है। चार्ज सेपरेशन जिस स्ट्रक्चर के अंदर होगा दैट विल बी लेस स्टेबल स्ट्रक्चर। सो बेंजीन में चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो दूसरा जो प्रूफ है इसका कि इसमें एरोमेटिक करेक्टर है, वो कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 148 पिकोमीटर, लेकिन यहाँ 138 पिकोमीटर, इट मीन्स ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, छोटी हो गई सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से थोड़ी लंबी है, तो कभी सिंगल है कभी डबल है कभी सिंगल है। तो जब इन दो स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, तो उसमें कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, और जब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहां पे कहीं एक साइड को सिंगल है, एक साइड को डबल है, एक साइड को सिंगल है, एक साइड को डबल है, तो इस तरह से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो ये हुई स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल। अब इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान भी है, इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन भी है, वो आपने खुद डिस्कस करनी है। आई बात समझ में, तो ये बनी बात। चलिए आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सिंथेसिस ऑफ ऑल दिस कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू।